और हमने देखा कि सबसे पहले जो टेबल की फॉर्म में मैंडलीफ ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था बट मैंडलीफ अरेंज ओनली सिक्सटी फाइव एलिमेंट्स ऑन द बेस ऑफ देयर एटामिक मासज लेकिन जब एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो उसका डिस्कवर हो गई तो साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज होती हैं एटॉमिक नंबर के लिहाज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल तो फिर इसके बाद मोजले ने काम किया और मोजले ने उनको इटामिक नंबर के लिहाज से अरेंज किया तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किसने किया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज पुट फॉरवर्ड बाय हेनरी कैन जेफरी मोजले जेफरी मोजले इसने एटॉमिक नंबर के लिहाज से एलिमेंट्स को अरेंज किया टेबल की फॉर्म में जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं uh. एन इंग्लिश फिजिसिस्ट जी एक इंग्लिश फिजिसिस्ट था मोजले जिसने एटॉमिक नंबर के लिहाज से ये मॉडर्न टेबल जो है उसको अरेंज किया दिस टेबल इज़ बेस्ड ऑन नंबर दिसमिक मॉडर्न प्रोडिक ला स्टेस दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द प्रोडिक्टंक्शन ऑफ देयर एटामिक नंबर मॉडर्न प्रोडिक ला क्या है product, product का मतलब होता है दिंग विच अकर्स एट रेगुलर इंटरवल यानी प्रोडिसिटी आती है जो रेगुलर इंटरवल से कोई भी प्रॉपर्टी अपने आप को रीअरिंग होती है या अक्रिंग होती है तो उसको क्या कहते हैं प्रोडिसिटी तो मॉडर्न जो प्रोडिक लॉ है वो क्या है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स कि एलिमेंट्स जितने भी हैं उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल दोनों क्या करती हैं आर द प्रोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर यानी वो किस पे डिपेंड करती हैं एटॉमिक नंबर पे एटॉमिक नंबर जो जो चेंज होता है तो साथ उसकी फ़िजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी जो है वो अपने बिहेवियर को चेंज करती हैं और प्रोडिक uh, फंक्शन है उसका यानी वो एक तरतीब के साथ जो जो एटॉमिक नंबर जिस लिहाज से उसका चेंज होता है उसी तरतीब से उनकी केमिकल और फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी जो है वो क्या

तो एट ग्रुप्स हैं फैमिलीज एंड सेवन जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उनको क्या कहते हैं पीरियड्स। तो ये पीरियडिक आपको मॉडर्न पीरियडिक टेबल दिया हुआ है इसको आप देखें। मोजले ने इसको कैसे अरेंज किया कितनी हो ये ये वर्टिकल लाइन आप देखें यहां से स्टार्ट करें ये वर्टिकल लाइन हैं ये सारी ये देखें यहाँ से लेकर ये सारी क्या है ये वर्टिकल लाइंस हैं वर्टिकल लाइंस आ रही हैं और ये जो है ये इनको क्या ये है हॉरिजॉन्टल लाइंस ये क्या है हॉरिजॉन्टल लाइंस वर्टिकल लाइंस को ग्रुप्स कहते हैं जैसे ये पहले ब्लैक कलर इसको दिया हुआ है यहाँ पर और आगे ये की भी दी हुई है कि ब्लैक कलर किसको शो करता है और कलर्स जो है वो किस किस को शो करने के लिए डिफ्रेंशियट करने के लिए यहाँ पे कलर्स दिए गए हैं ये कलर किसको रिप्रेजेंट किए हुए हैं आगे ये किए इनकी दी हुई है तो ये जो ये है ब्लैक कलर में ये क्या है फर्स्ट इसका कॉलम है वर्टिकल लाइन है यानी इसका फर्स्ट ग्रुप है तो ये फर्स्ट ग्रुप ये सेकंड ग्रुप और यहाँ पर आ जाए ये बी ग्रुप है ये ए, ए जहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट ए सेकेंड ए थर्ड ए फोर्थ ए फिफ्थ ए यहाँ पर सिक्स ए सेवेंथ एट है यानी कितने ग्रुप्स में मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो है उसकी कितने ग्रुप्स हैं हैं एट ग्रुप है। और हॉरिजॉन्टल लाइंस को काउंट करें हॉरिजॉन्टल लाइंस यहाँ पे कितनी हैं वन ये ये हॉरिजॉन्टल लाइंस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये ए सी की कंटिन्यूशन में है ये जो नीचे दिए हुए ये ए सी की कंटिन्यूशन में है यानी मॉडर्न प्राडिक टेबल हमारे पास जो आया है जो मोजले ने अरेंज किया था उसमें एट्थ ग्रुप हैं और सेवन पीरियड्स हैं अब हम इसको इंडिविजुअली uh, पढ़ेंगे पहले हम पीरियड्स के बारे में पढ़ते हैं पीरियड जो हो कौन से होते हैं हॉरीजोंटल लाइन्स ये हैं हॉरीजोंटल लाइन अब हम बारी बारी हर एक पीरियड के बारे में पढ़ते हैं कि ये हॉरीजोंटल लाइन में आप देखें एटॉमिक नंबर जो है वो यहाँ साइड से राइट हैंड साइड की तरफ एटॉमिक नंबर एक एक ज़्यादा होता जा रहा है ये नहीं ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये इनके एटॉमिक नंबर के लिहाज से इसको तरतीब दिया हुआ है फिर यहाँ से अलेवन ये शुरू होता है अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोरटीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू आगे ये सारा जो है एक एक जो है वो इंक्रीज होता जाता है और ये हॉरिजॉन्टल लाइंस में यानी पीरियड में हर एक जो है वो एक एक इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज होता जाता है और एक एक एटॉमिक नंबर जो है उसका इंक्रीज होता जाता है हर पीरियड में शेल्स की तादाद जो होती है यानी नंबर ऑफ शेल्स जो होते हैं वो जो इसका पीरियड का नंबर है उतने ही उसमें शेल्स होते हैं यानी फर्स्ट पीरियड है तो इसमें आप देखें कितने हैं अब हम देखते हैं ये ऐसे कर लें आप इसको तो हम देखते हैं ये अब जो ऊपर बच गया ये इसका फर्स्ट पीरियड है ये देखें ये फर्स्ट पीरियड तो आपको कितने एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं फर्स्ट पीरियड में वन हाइड्रोजन और इधर आए दरम्यान में कोई एलिमेंट नहीं है इस रो में और ये वाला ये देखें ये क्या है टू तो फर्स्ट में कितने हैं एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन एंड हेलियम अब नीचे अब सेकेंड में जाते हैं हम लोग कितने एलिमेंट्स हैं एट फिर थर्ड पीरियड में आ जाए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट थर्ड पीरियड में भी कितने एलिमेंट्स हैं एट अब हम फोर्थ पीरियड में जाते हैं काउंट करें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन कितने एलिमेंट्स हैं एटीन हमारे पास फोर्थ पीरियड में भी एटीन है फिफ्थ पी उसी जैसा है फिफ्थ पीरियड में भी कितने एलिमेंट्स हैं एटीन एलिमेंट्स हैं अब हम सिक्स पीरियड की तरफ आते हैं सिक्स पीरीड में पहला क्या है सीजियम है सीजियम में 55 फाइव नंबर है उसके बाद है 56, उसके बाद 57 है लेकिन यहाँ पर आप देखें एरो का निशान लगा है ये एरो है एरो के साइन में और बाकी के एलिमेंट्स इधर हैं तो ये वाले क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट इस थी इसलिए इनको इस पीरियड की बजाय इसको नीचे आगे अलग से रखा हुआ है और इसको लेंथ एंड नाइट सीरीज़ का नाम दिया गया 57 के बाद 58 एट यहाँ है फिफ्टी एट फिफ्टी नाइन सिक्सटी यहाँ तक आइए सेवेंटी वन और फिर सेवेंटी टू यहाँ से स्टार्ट होता है इसका मतलब है आप काउंट करें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं वन टू थ्री उसके बाद यहाँ से फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन और फिर एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी तो सिक्स पीरियड uh, में कितने हैं थर्टी टू एलिमेंट्स अब हम सेवन पीरियड की तरफ आते हैं सेवन में भी बिल्कुल सेम है ये है फ्रेंडसिम उसके बाद आप जाएँ इसका एटॉमिक नंबर है एटी सेवन फिर एटी एट फिर 89 और यहाँ पर भी देखें एरो का साइन है और नीचे आगे हैं वो तो, तो बाकी केस के इसके यहाँ पर हैं और ये चूंकि इसका पहला जो है फर्स्ट यहाँ पर एक्टिनियम के बाद है तो इसको एक्टिनाइड सीरीज़ कहते हैं ये लेंथ नाइट सीरीज़ है और ये क्या है एक्टिनाइड सीरीज़ है अब आपको पता चल गया कि फर्स्ट पीरियड में टू एलिमेंट्स हैं सेकेंड पीरियड में एट हैं थर्ड पीरियड में भी एट हैं फिर उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ में एटीन है सिक्स और सेवन्थ में थर्टी टू ईच है अब यहाँ पर जो ये आपको इस कलर के ये जो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और ये जो है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स इसके जितने भी पीरियड हैं जैसे ये फोर्थ पीरियड है तो इसमें ये वाले वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो टेन ट्रांजिशन है और बाकी टोटल एटीन है तो बाकी के एट जो एलिमेंट्स होंगे वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होंगे और ये टेन क्या है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं फिफ्थ पीरियड में भी इसी तरह टेन ट्रांजिशन है और बाकी के एट क्या हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं इसी तरह इसमें भी जो है आपके पास टेन ये सिक्स पीरियड में भी सेवन्थ पीरियड में टेन हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ जाते हैं अब हम बुक से स्टार्ट करते हैं पीरियड्स के बारे में आपको क्या दिया हुआ है द हॉर रोज ऑफ एलिमेंट्स यहां से देखिए द हॉज रोज ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स दे आर नंबर्ड फ्राम वन टू सेवन टोटल सेवंथ पीरियड है फ्राम द टेबल वी कैन सी दैट ऑल द एलिमेंट्स इन द सेम पीरियड हैव द सेम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिकेल्स कि जो फर्स्ट पीरियड में एक शेल होगा सेकेंड पीरियड में दो होंगे थर्ड पीरियड में तीन शेल्स होंगे इसी तरह सेवंथ पीरियड में कितने होंगे शेल यानी जो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा शेल्स की नंबर कितना है सेवन होगा इन द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पीरियड द नंबर ऑफ शेयर आर वन टू एंड थ्री रिस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर आप देखें ये फर्स्ट पीरियड के हैं ये सेकेंड पीरियड में दो हैं और थर्ड पीरियड में कितने शेयर हैं तीन आ गए अब आपको साइड इंफॉर्मेशन भी दी हुई है साइड इंफॉर्मेशन को हम देख लेते हैं क्या है जी ओनली लेटर दैट अपीयर ऑन द प्रोडक्ट टेबल इज जे कि प्रोडक्ट टेबल में जो um, सारे लेटर्स हैं अल्फाबेट्स हैं उनमें से सिर्फ जे ऐसा लेटर है जो पूरे प्रोडक्ट टेबल में नहीं है द रेयरेस्ट नेचुरली अक्रिंग एलिमेंट इन द एले अर्थ क्रस्ट इज एसेन अर्थक्रस्ट में जो सबसे कम पाया जाता है वो कौन सा एलिमेंट है एसेटीन और टोटल हमारी आर्थ क्रस्ट में कितना है 28 एट ग्राम है यानी पूरी अर्थ में इतनी बड़ी अर्थ में सिर्फ एसेटीन कितना है 28 एट ग्राम पीरियड्स के बारे में आपको डिटेल जो अभी मैंने बताई थी वो सारी डिटेल आप हम पढ़ते हैं बुक से देर आर सेवन पीरियड्स होरिजॉन्टल रोज इन द प्रोडिक्टेबल के सात पीरियड है अभी आपने जैसा पीछे पढ़ा तो फै फर्स्ट पीरियड कंटेन टू एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड हिलियम दिस इज आल्सो कॉल्ड शॉर्टेस्ट पीरियड क्योंकि दो ही एलिमेंट्स है सबसे कम है तो शार्टेस्ट हो गया सेकेंड एंड थर्ड पीरियड ईच कंटेन एट एलिमेंट एंड आर कॉल्ड शॉर्ट पीरियड वो शार्टेस्ट हो गया और ये शॉर्ट हो गए दोनों फिर फोर्थ और फिफ्थ में आपने देखा कि कितने थे एटीन एटीन है तो एटीन एलिमेंट्स हैं इसमें से एट एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेटिव थे और बाकी के टेन क्या थे ट्रांजिशन एलिमेंट्स है तो फोर्थ पीरियड इट रेंजेस फ्राम स्केंडियम टू जिंक एंड इन फिफ्थ पीरियड इट रेंजेस फ्राम यानी रेटियम से स्टार्ट होता है कैडमियम पे ख़त्म होता है सिक्स पीरियड की बारी आई तो सिक्स पीरियड में थर्टी टू हैं एट रिप्रेजेंटेटिव हैं टेन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और है, है, रेस्ट फोर्टीन क्या है जैसे मैंने आपको बताया कि वो लेंथ नाइट सीरीज हैं जो नीचे जाके उनको अलग से रखा गया नाइट सीरीज को फिर सेवंथ पीरियड में एट रिप्रेजेंटेटिव हैं टेन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और बाकी के जो बच के वो क्या है एक्टी नाइट सीरीज है टेबल इज स्टिल इनकम्प्लीट एंड विद द डिस्कवरीज ऑफ न्यू एलिमेंट्स

के पैरेलल या पैरेलल जो है वो प्रॉपर्टीज़ की डेवलपमेंट हो रही है जूँ जो, जो एक एक, एक वेलेंसल में एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो रहा है तो प्रॉपर्टीज़ भी उसी लिहाज से इंक्रीज हो रही हैं फॉर एक चेंज हो रही हैं फॉर एग्जाम्पल द मेटेलिक प्रॉपर्टीज टेंड टू इंक्रीज अक्रॉस ईच पीरियड वाइल द नॉन मोटेलिक प्रॉपर्टीज टेन टू इंक्रीज यानी आप देखें टेबल में तो क्या होंगी मेटे ये इस साइड पे मेटल्स हैं तो जूँ जूँ आप इस साइड पे आते जाते हैं टॉम्बिक नंबर इंक्रीज होता है तो उनकी मोटेलिक प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिक्रीज होती जाती हैं ये मेटेल मेटल्स हैं इस साइड पर मेटल्स हैं और इस साइड पर क्या है नॉन मेटल्स हैं तो अगर हम नॉन मेटल के लिहाज से देखें तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इस साइड पे ज़्यादा है और इस साइड पे कम है तो जू जूँ हम जाते हैं तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती जाती है और मेटेलिक प्रॉपर्टीज इस साइड पे आए तो डिक्रीज होती जाती है इस वीडियो में इतना ही अल्लाह हाफिज़ खुश रहिए है, खुशियाँ बांटिए